की भरपाई कैसे करें। यार इस शब्द को बोल भी रहा हूं तो भी उस भाई की याद आ रही है जिससे कॉल पर मेरी 1.5 घंटे बहस हुई थी। और बात उस भाई की नहीं है, बात बहुत भाइयों की है, क्योंकि आधे से ज्यादा कॉल उठाते ही सीधी एक बात जरूर पूछते हैं कि पन भाई मैंने इतने साल और इतने दिन में 4-4, 5-5 बार किया है हस्तमैथुन, उसकी भरपाई कैसे होगी। तो भाई बहुत सवाल करते हो ना आप लोग, तो अब इस वीडियो को ध्यान से सुन लेना, क्योंकि सिर्फ भरपाई ही नहीं होगी, पूरे जीवन को बदल सकते हो तुम अगर पूरी अंत तक बात सुनी। और एक बात पहले ही कह दूं कि इसे पूरी वीडियो देखे बगैर फालतू की कमेंट ना कर देना, सुनते कुछ है नहीं भाई ढंग से और कमेंट ऐसे कर देते हैं जिसके ऊपर पूरी वीडियो बना दी उसी के नीचे सिंपल सा क्वेश्चन लिख देते हैं। तो समय हो तो अंत तक देखना, बीच में से मत छोड़ना, अभी चले जाओ। तो अब ध्यान से सुनो। देखो वासना या नशा या कोई भी ऐसी लत है जो दिमाग से संबंधित है, उसकी सबसे बड़ी बात यह होती है कि अगर उससे जितना छूटना चाहोगे उतना उसमें ही जीने लगोगे। ये बिल्कुल ठीक ऐसा ही है जैसे तुम दिमाग से कहो कि आम के बारे में मत सोच, तुम अपने दिमाग से कहो कि आम के बारे में मत सोच तो होगा क्या, होगा यही कि संसार की सारी बातें साइड में रखकर तुम्हारा दिमाग सिर्फ आम के बारे में ही सोचेगा। तुम चाहे कितनी भी कह लो, तुम कितने भी ज्ञानी सही, फिर भी, वरना तुम खुद ट्राई करके देख लो इस चीज को, अपने दिमाग से किसी एक चीज के बारे में बताओ कि इस चीज के बारे में मत सोच, तो तुम कितनी भी जी जान से कोशिश कर लो, मजाल है ये दिमाग उसी चीज को इमेज बनाकर सोचने न लग जाए। ठीक यही खेल तुम करते हो, और इसी से आगे की बात बताना चाह रहा हूं मैं तुम्हें, ध्यान से समझो। अब ये ना सोचना कि इस वीडियो में भरपाई की बात नहीं बता रहे, नहीं ऐसा नहीं है। वीडियो के अंत होते होते समझ जाओगे, थोड़ा धैर्य रखो। तो ये तो समझ गए ना कि जिस चीज को मना करोगे तुम या समाज, वही चीज और ज्यादा ये दिमाग करेगा। ठीक, तो भरपाई करने की मत सोचो। अब तुम कहोगे कि ये क्या कह रहे हो पवन भाई, तो सुनो पहले, तुम चाहो या ना चाहो शरीर तो अपना काम कर ही रहा है ना। तुम मेरी वीडियो देख रहे हो फिर भी तुम्हारे शरीर के अंदर दिल धड़क रहा है, ठीक, सांसें भी चल रही हैं, खून भी दौड़ रहा है, और भी 50 चीजें अंदर हो रही हैं तुम्हारे शरीर के, तुम्हारे बिना चाहे भी। और ना तो तुम इसमें भागीदार हो और ना ही बन सकते हो, ना ही शरीर को इसका काम करने से रोक सकते हो, है ना। तो जब ये शरीर अपना काम पूरी जिम्मेदारी से कर ही रहा है तो तुम अपना काम जिम्मेदारी से करो ना। तुम्हारा काम और शरीर का काम अलग अलग है, पर दोनों एक दूसरे के साथी हैं, भागीदारी हैं, है ना। शरीर का काम है शरीर को चलाए रखना, इसे जिंदा रखना, और तुम्हारा काम होना है तुम्हें ऊंचाई देना, चेतना को ऊंचाई पर ले जाना। तुम शरीर की सहायता मात्र कर सकते हो। अब सहायता कैसे करोगे, जैसे ज्यादा अच्छा खाना खाओ, बादाम, काजू, अखरोट, जूस, पोषण भरा भोजन, ठीक व्यायाम, एक्सरसाइज, और शरीर अपना काम और बेहतर तरीके से करता रहेगा। जो जो उसमें कमियां हो गई थी उसकी भरपाई शरीर खुद कर लेगा, ठीक, उसे ये सब दिया और फिर तुम अपने जीवन को सुधारने में लग जाओ। लेकिन तुम क्या करते हो, तुमने अपने जीवन का ही लक्ष्य बना लिया है कि इसकी भरपाई करनी है। अरे मेरे पागल भाई हो, कितनी भी शरीर की भरपाई कर लो, एक दिन ये सारी भरपाई लकड़ी के ढेर पर रख कर जला दी जाएगी, यानी एक दिन इस शरीर को जलना ही पड़ेगा, मुस्लिम हो तो दफन होना ही पड़ेगा, सारी भरपाई यहाँ राख पड़ी होगी। तो क्या इतना छोटा सा लक्ष्य चुनना है तुम्हें कि पूरा जीवन इस शरीर की भरपाई करने में ही लगा दो, जीवन को इस शरीर को जिंदा रखने में ही बिता देना है। मैं ये नहीं कह रहा कि इस शरीर को स्वस्थ मत रखो, नहीं ऐसा नहीं कहा। सच कहूं तो बेहतर स्वास्थ्य, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी तभी रख पाओगे जब इस शरीर को इसकी औकात दिखाकर इसको खिलाओगे पिलाओगे। कैसे, इसे कहो कि तुझे बेहतर खाना दूंगा, एक से एक पौष्टिक खाना दूंगा, खूब खिलाऊंगा, पर तू मेरी सिर्फ गाड़ी है, मेरी मंजिल न बन। तुझे ताकतवर बनाऊंगा, तुझे हष्ट पुष्ट करूंगा, पर फिर भी अपनी औकात में रह, मेरी मंजिल न बन। जब तुम सही मंजिल पर ध्यान दोगे तो वासना हस्तमैथुन इन सब का समय नहीं होगा। समय मिल भी जाए तो तुम ये जानते ही हो कि ये शरीर का खेल है, इसकी औकात समय समय पर दिखाते रहो,
और आगे बढ़ते रहो। इस शरीर के सहारे अपने आप को आजाद और ऊंचाई देते रहो, और जो तुम्हें भरपाई चाहिए या जो शरीर और ब्रेन में पोषक तत्व की कमी हो गई थी वो भी पूरी होती रहेगी बिना तुम्हारे चाहे। एक खास बात और, उसे सुन लो, ऐसा करने से तुम्हें एक बम्पर ऑफर मिलता है, और जो ऐसा नहीं करते वो बदनसीब रह जाते हैं। क्या है वो बम्पर ऑफर, ध्यान से सुनो। जब तुम मंजिल शरीर को नहीं बनाते पर शरीर को पूरा पोषण देते हो और अपने आप को कामयाब और चेतना को ऊंचा उठाने को अपनी मंजिल बना लेते हो, तो तुम्हें बम्पर ऑफर ये मिलता है कि शरीर तो ठीक होता ही है, शरीर तो ठीक मिला ही मिला, साथ में तुम्हें कामयाबी और चेतना ऊंचाई पर और जीवन बेहतर ही हो गया ये मिला। पर जो लोग सिर्फ भरपाई में लगे रहते हैं, उन लोगों में से कुछ लोग भरपाई कर भी लेते हैं पर वो लोग शरीर के ही होकर रह जाते हैं, और जो लोग सिर्फ और सिर्फ शरीर की भरपाई के लिए वासना को खत्म करना चाहते हैं, पौर्णिय हस्तमैथुन छोड़ना चाहते हैं, वो लोग कभी छोड़ ही नहीं पाते, क्योंकि वो वही काम करते रहते हैं। जैसे मैंने ऊपर कहा ना, क्याम के बारे में मत सोचो पर मन सोचेगा वही। तो जरा सोचो, कोई इंसान पूरे दिन यही बोलता रहे तुम्हारे सामने कि मुझे आम के बारे में नहीं सोचना, मुझे आम के बारे में नहीं सोचना, मुझे आम के बारे में नहीं सोचना, तो तुम गुस्सा हो जाओगे, उसे अपने पास से भगा दोगे। और वो इंसान ये बोलता तो रहा है कि आम के बारे में नहीं सोचना, पर क्या सच में वो नहीं सोच रहा? असल में वही सबसे ज्यादा सोच रहा है, भले ही उसे ना लगे पर फिर भी वो सोच ही रहा है। ठीक ऐसा ही आप सब करते हो, पर आप बाहर नहीं बोलते, मन में ये सोच कर रखते हो कि नहीं करना, पौर नहीं देखनी, लड़की से भागना है, वासना से दूर रहना है। पर तुम तो दिमाग का स्वभाव अब जान ही गए हो ना, जो नहीं कहोगे वही ये करेगा। और पूरी जवानी और जवानी का लक्ष्य क्या बना लिया के नहीं करना है, बस ये है आप सबकी मंजिल के नहीं करना है। पर मेरे भाई, जवानी ही वो दौर है, इसी समय आप में और मुझ में वो ऊर्जा है, हम अपने आप को ऊंचा उठा सकते हैं, कामयाबी पा सकते हैं, कृष्ण तक पहुंच सकते हैं। जवानी गई तो तुम फिर कुछ भी कर लेना, कितना भी सोच लेना, पर उस समय शरीर साथ नहीं देगा, कितनी भी कोशिश कर लेना ये शरीर साथ छोड़ ही देगा तुम्हारा, क्योंकि शरीर की एक सीमा बंधी हुई है, किसी की जल्दी किसी की थोड़ी देर से, पर बंधी जरूर हुई है इस शरीर की सीमा। तो ये जवानी अब और नहीं गवानी, समझे? और मैंने इस पूरी वीडियो में ये कहीं नहीं कहा कि भरपाई मत करो तो उल्टा सीधा मतलब मत निकालने लग जाना, मैंने कहा अगर जीवन की ऊंचाई को सबसे पहले रखोगे तो भरपाई खुद होती रहेगी, तुम्हें ना दबाने की जरूरत ना भागने की, समझे? बेहतर तरीके से भरपाई कर पाओगे और साथ साथ एक बम्पर ऑफर मिलेगा जो पूरा जीवन बदल देगा। और सबसे बड़ी बात, जवानी जब गुजर जाएगी, शरीर जब ढलने लगेगा, तब पछताओगे कि हमने इसका सही उपयोग नहीं किया, कर लेते तो शायद आज जीवन बेरोजगारी, लाचारी, हीनता, ज्ञानता और कमजोरी में ना होता। पूरी जवानी बस इसमें लगा दी कि आम के बारे में नहीं सोचना, समझे? ये समझने के बाद अब होगी तुम्हारी बेहतर भरपाई, पर सबसे बड़ी बात अब होगा बेहतर जीवन, एक विशाल जीवन। उम्मीद है मेरे प्यारे भाइयों ये वीडियो आपके दिल और दिमाग तक पहुंची होगी, अगर पहुंची है तो आपसे एक छोटी सी चीज मांगता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं। ये चैनल बहुत डाउन जा रहा है, इसे केवल आप उठा सकते हैं, आपकी मदद चाहिए। अगर आपके पास समय हो तो प्लीज एक क्लिक में लोगों तक जरूर पहुंचाएं। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिख रखा है, उसे पढ़ो, उसके बाद मुझे कमेंट में बताओ कि पवन भाई अपना नंबर दो, मुझे वो सारी बातें मंजूर है, तो मैं आपको नंबर दूंगा, उसके बाद आप व्हाट्सएप पर आना और व्हाट्सएप पर फिर मैं आपको पेमेंट का नंबर दूंगा और तब जाकर आप मुझसे कॉल पर बात कर सकते हैं। मिलता हूं अगली वीडियो में, जय श्री राम।